हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z9 5G फ़ोन है, तो IQ Z9 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में कंट्रोल सेंटर्स वगैरह को आप कैसे बदल सकते हैं, जो आपके फ़ोन का कंट्रोल सेंटर है इसको आप चेंज कैसे कर पाएंगे और कैसे बदल सकते हैं अपने IQ Z9 5G फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि कंट्रोल सेंटर को कैसे चेंज कर सकते हैं IQ फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन से शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। ओपन हो जाएगी तो आप कैसे अपने फ़ोन में आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हो, फैन में कैसे आप इसका यूज़ करके फ़ोन में आप इसका यूज़ करके कैसे अपने फ़ोन में, तो आपको यहाँ से जाना होगा सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी पे जाकर आपके पास सेटिंग्स आ जाएगी, लेकिन आपको बैक करना है। बैक करते हुए आपको जाना है जिससे कंट्रोल सेंटर, आपने कोई भी कंट्रोल सेंटर ऐप है डाउनलोड कर रखा है, जैसे हमने वीवो का कंट्रोल सेंटर डाउनलोड कर रखा है, तो इसको आप इस तरीके से ओपन करके यहाँ से कंट्रोल सेंटर को स्टाइल में चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। देख सकते हैं कि आपको बस एग्री करना है, एग्री करते ही गो कर देना है। गो करते ही हमारी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स आ जाएगी, जहाँ से डाउनलोड ऐप्स पे जाना है, जहाँ से आपको वीवो का आइकन्स मिल जाएगा और कुछ इस तरीके से वीवो को आपको अलाउ कर देना है, ऑन कर देना इस तरीके से, जिससे आपके शॉर्टकट्स आइकन या फिर जो भी कंट्रोल सेंटर है बदल जाएगा और इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को आप चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। और जैसे आप बैक करते हैं तो इस तरीके से कंट्रोल सेंटर कर सकते हो, और इस तरीके से करते हैं तो कंट्रोल सेंटर चेंज हो जाता है। तो ऑफ कर देंगे तो आपका कंट्रोल सेंटर पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल सेंटर्स को चेंज कर सकते हैं IQ Z9 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।